नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज चल रही थी और इससे पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा पे चर्चा की थी। अभिप्रेरणा और अधिगम में क्या संबंध है, क्या अभिप्रेरणा अधिगम के बिना अधूरी है या फिर अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है, इन सारी चीज़ों पर हमने जो है विधिवत तरीके से चर्चा कर ली थी। और इससे पहले हमने दो वीडियो में 50-50 प्रश्नों पे, जो कि संपूर्ण सिलेबस का है, उस पर 50-50 प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली थी। आज हम भाग 3 पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शिक्षक भर्ती या शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो चाहे कोई सी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, किसी भी राज्य में आयोजित हो रही हो, चाहे वो सी टेट हो, एम पी टेट हो, आर टेट हो, रीट हो या फिर यू पी टेट हो, कोई सी भी परीक्षा हो, उन सब में ये समान रूप से कारगर सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हुए आज के ये 50 प्रश्नों का पुलिंदा हम शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। पात्रता परीक्षा में चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, जैसे रीट लेवल 1 या लेवल 2 होता है, उसी प्रकार से कोई सा किसी भी स्तर का हो, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल अध्ययन के प्रश्न जो है 30 अनिवार्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, रहने वाला है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रश्न 1, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इससे पहले जो बुद्धि और बुद्धि लब्धि का जो वीडियो था, हमने उस पर सभी प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं और उसको विस्तृत तरीके से डिस्क्रिप्टिव टाइप में हमने अध्ययन कर लिया था। तो बहुकारक का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं थॉर्नडाइक। उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार कौन से काल में किया जाता था? तो उपनयन संस्कार वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुख, आगे आकर के उनको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी दें, सहानुभूति होने के साथ साथ उनको हर तरीके से सीखने के अवसर उपलब्ध करवाएं। मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? मानव विकास किन इनमें से कौन से दो ऐसे कारण हैं जिनका परिणाम है? अभिभावक अध्यापक का, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम और वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? वंशानुक्रम और वातावरण का। दोस्तों, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मानव विकास की बात कर रहा है, तो विकास जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का परिणाम नहीं है। विकास तो वो है जो सदा से चला रहा है, जिसके अंतर्गत वातावरण की भी भूमिका होती है और वंशानुक्रम की भी भूमिका होती है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से आप उनके विकास के लिए कौन से कारक जो हैं वो सबसे अच्छे हैं? वीडियो का अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालयों के छोटे बच्चों के लिए
जो करके सीखते हैं वो सबसे बेहतर होता है, इसलिए खुद के द्वारा किया गया अनुभव। जिस प्रक्रिया में, छठा प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो दूसरों के व्यवहार से वो समाज में रहता है और जैसा समाज में करता है वैसा ही सीखता है, तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है, अनुभव होता है, वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, और चेतन के इसमें तीन अवसर स्तर भी बताए गए हैं? तो वो फ्राइड का है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था ये उसी के अनुसार होता है, जिसमें एक तिहाई भाग पानी में छिपा रहता है और आधा उसका एक भाग जो है पानी के बाहर तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का जो विकास है वो बौद्धिक विकास का एक सूचक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी कि आप में विकास का क्रम एक हो सकता है, विकास की सामान्य क्षमता एक हो सकती है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत आपके ऊपर एक लागू हो सकते हैं, लेकिन जो विकास की जो दर है वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक परीक्षा के द्वारा होना चाहिए, सतत और व्यापक परीक्षा के द्वारा होना चाहिए। वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण या किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिकता का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने सामाजिकता पे ही ज़्यादा जोर दिया था। ये कहा था कि यदि बच्चों का विकास करना है तो उसको अधिक से अधिक सामाजिक होना चाहिए या उसे समाज में रहने की अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, उस बच्चे के रोने का क्या कारण है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता और अजनबी दुश्चिंता। देखिए, दादी उसकी अजनबी नहीं है और नहीं ही उसका कोई वियोग हो रहा है, और सामाजिक दुश्चिंता का अर्थ होता है जब वो समाज से कोई दूर चले जाए, यानी कि वो इसलिए रोता है क्योंकि उसमें उस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। गेने ने जो 14 प्रकार के संवेग बांटे हैं, 14 भागों में जो संवेगों को अलग अलग भागों में विभक्त किया है, उसमें जब बच्चा अपनी एक अलग ही प्रकार की जो है क्रिएटिविटी या एक अपना अलग ही प्रकार का व्यवहार प्रदर्शन करता है तो उसे संवेगात्मक दुश्चिंता के नाम से हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति का उदाहरण है लिखना, ध्यान रखें, लिखना जो है वो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण माना जाता है। ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है। किशोर जिसकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से कम है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकता है? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार वो कर सकता है, वो अपने बारे में अच्छी तरीके से जान सकता है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए जो है शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा परिवार। तो उसको परिवार से संबंधित छोटी छोटी कहानियाँ सुना करके या कहानियाँ पढ़ा करके उसको सामाजिकता की ओर परिपक्व किया जा सकता है।
सफल समावेशन को निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है सिवाय, सफल समायोजन के लिए किसकी आवश्यकता है केवल एक चीज़ को छोड़कर, तो वह है पृथक्करण यानी अलग करने की बात को। बाकी सफल सामाजिकता के लिए अभिभावकों की भागीदारी आवश्यक है, संवेदनशील बनना आवश्यक है और उसकी क्षमता में संवर्धन करना भी आवश्यक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किसने कहा है? वुडवर्थ ने। ये कथन किसने कहा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देता है? तो कौन सी योग्यताएं हैं जो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। बच्चों में जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जितने उनके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, वो उतना ही परिपक्व होगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, भाषा में सबसे छोटी अर्थ की छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम। पूर्व ग्रह किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे, तो पूर्व ग्रह जो किशोर हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के ज़्यादा सजग होंगे, ज़्यादा कठोर होंगे। बालिकाओं में लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बालिकाओं में यानी कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा कौन सी अवस्था में जो है उनकी लंबाई ज़्यादा होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़कियां एकदम से ज़्यादा बढ़ती हैं और उसके बाद उनका जो लंबाई का जो विकास है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न यानी कि सर्वाधिक दिवा स्वप्न और भाषा जो है वो उसका विकास सर्वाधिक किस अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है? तो वो है किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? विकास के संबंध में इनमें से कौन सा सही कथन है? तो विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि का सूचक है, विकास संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। तो विकास जो है वो सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत कहलाता है। चारों ओर होता है इसलिए उसको हम कहते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत। जन्म के समय शिशु रोता है, जन्म के समय शिशु रोता है, जन्म के समय शिशु के रोने का कारण क्या है? वातावरण के परिवर्तन के कारण, यानी कि वो यदि शिशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेगा तो वातावरण परिवर्तन होने के कारण उसमें जो है संवेग ज़्यादा उत्पन्न होंगे और वह रोने लगेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये इसमें कोई डाउट है या आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहें और देखते हैं कैसे प्रश्न परीक्षा में बन करके आते हैं। 26वां प्रश्न है, शेषावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो इलेक्ट्रा और ओपिडस ग्रंथि के कारण पुत्र अपनी माता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। क्लार्क और बीट्स ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या देखा? स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाए, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, गुणनफल। जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो वह है किशोरावस्था। बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20।
20। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्न में से किससे होता है? तो आनुवंशिकता का मतलब है गुणसूत्र और उसके जीन्स। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पौंड। ध्यान रखे, कई बार ग्राम या किलोग्राम में न पूछ करके पौंड पूछता है, तो 6 से 8 पौंड। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। बालक के विकास में महत्व है, बालक के विकास में महत्व है। तो बालक के विकास में किसका महत्व ज़्यादा है? वंशानुक्रम का भी है और वातावरण का भी है। तो इन दोनों का एक साथ है, वंशानुक्रम और वातावरण। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। दिवा स्वप्न में ज़्यादा दिवा स्वप्न कौन सी अवस्था में देखा जाता है? किशोर अवस्था में। सृजनशील बालकों का लक्षण है, सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। वो जिज्ञासा मतलब उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो क्रोध का समय क्या है? युत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? तो उनका जो आइडियल होता है, उनका जो हीरो पालने की जो उम्र है, वो होती है किशोरावस्था। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हरलोक का है। हरलोक के अनुसार समान आयु में भी बालक बालिकाओं की जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग होता है। बालक का सामाजिकृत निम्न में से किस तकनीक पर निर्धारित है? तो समाजमिति तकनीक के कारण। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है? प्रकृति का अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न से कौन सी नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, समायोजन का अभाव। तो ये सारी है, लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था में अधिक पाई जाती है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो स्टीफन्स ये मानते हैं कि यदि उस बच्चे को उचित वातावरण दे तो उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में पाई जाती है, 13 से 9 वर्ष तक। चरित्र निर्माण में इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण, निर्देश। तो निर्देश जो है वो चरित्र निर्माण में सर्वाधिक सहायक नहीं है। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक, क्षेत्रफल संबंधित अवबोध पाया जाता है? तो 9 वर्ष तक की आयु वाले बालकों में समय, दिनांक, क्षेत्रफल आदि से संबंधित उसको जानकारी होती है, अवबोध पाया जाता है। बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? तो बाल्यावस्था कब से कब पाई जाती है? 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में बाल्यावस्था का विकास, या वो उस अवस्था 6 से 12 वर्ष तक के बालकों को बाल्यावस्था कहा जाता है। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो 14 वर्ष तक की जो आयु है उसमें बालकों की मानसिक योग्यता का पूरा विकास हो जाता है। और निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। समलिंगी के प्रति जो है वो इनमें से कौन सी अवस्था में सर्वाधिक आकर्षण पाया जाता है? तो वो है बाल्यावस्था।
तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे, आपको कैसे लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कृत के वीडियो इस समय रीट या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चल रहे हैं। आप उस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।